तो समझ पा रहे हैं कि हम ठाकुरबाड़ी से घर लौट रहे हैं और अभी ट्रेन में है, ट्रेन लेट चल रहा है, क्या करूँ। तो अभी आसनसोल तो हम पहुंच गए और अभी 8:30 बजे ट्रेन आने वाला है, अभी तो 8 बज रहे हैं। आओ भुतर बाहर घूम रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। तो अभी तक सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था, मैं तो उतर गया हूँ चंद्रकना रोड में। चंद्रकना रोड का जो बस स्टैंड है, बस पकड़ेंगे और घाटल जाएंगे। अभी तक बहुत बाकी है, यानी कि 2 घंटे बाकी है, तो चलिए बस पकड़ते हैं। जिनको बैठा है हमारे लिए इंतज़ार करके, फ्रेंड्स मैं तो 3 बजे घर पहुंचा और अभी तक ठीक से रेस्ट भी नहीं हुआ। तो आज यू के लिए मैंने ठाकुर जी का भोग ले आए थे, तो वो सबको दे दिए हैं। और देखा जू के लिए उसका पापा पेड़ा खरीद रहे थे, और देवघर का जब पेड़ा है ना, ये पेड़ा फेमस है, खाने में बहुत टेस्टी है। तो मैं अभी तक एक भी पेड़ा नहीं खाया हूँ, तो चलिए एक पेड़ा टेस्ट करके देखते हैं। खाने में अच्छा लग रहा है और बहुत सॉफ्ट भी है। अगर ये हार्ड हो जाए ना, तो लगता है, तब लगता था ये ख़राब है, लेकिन गर्मा गर्म तैयार हो रहे थे तभी हमने ये ख़रीदा है। और अभी किचन में आया हूँ, तो अभी रात में थोड़ा सा रोटियाँ बनाएंगे और रोटियाँ के साथ पपीता का दाल तैयार करेंगे। इसलिए दादी जी रोटियां तैयार होने के लिए आटे को तैयार कर रहा है। ये देखो आटे गूंथ रहा है, जीव खड़े होकर देख रहा है। भाई का एग्ज़ाम चल रहा है, भाई पढ़ाई कर रहा है, उसका पापा मैथ टास्क दे रहा है जीव को। जीव तो सारा दिन स्कूल करके हैरान हो गया है, और मैं यहाँ पर गर्मा गर्म पानी से आटे को गूंथेंगे। इसलिए दूध का जो बड़ा सा जगह है ना, वहाँ पर मैंने पानी देकर गर्म होने के लिए बैठा दिया है। तो खाना तैयार करते हैं, रात तो बहुत हो चुका है। ये देखो मैं तो कद्दू देकर और पपीता देकर बहुत सुंदर एक मीठा दाल बना लिया, और कुछ कुछ लोग हैं वो रोटियां खाएंगे और कुछ कुछ लोग हैं चावल खाएंगे। चावल के लिए पकौड़ा फ्राई किया है, उसका बड़ा अंकल का तो खाना कंप्लीट हो गया है। दादी जी चावल खा रहा है पकौड़ा देकर, भाई मैं जीव का पापा अभी दाल देकर, मीठा दाल देकर अभी रोटियां खाएंगे। तुम्हारा पढ़ाई हो गया? अभी खाली बॉडी में 3 लोग देख लो, कितना इसका अच्छा बॉडी है ना, इसका तो बोन सब दिखाई जा रहा है। अच्छा बॉडी के लिए नहीं है, गर्मियाँ आपको लग रहा है, आप ऑडियंस को देखा हो जरा, मुंह देख रहे हैं, उसने देखा सब। मैं रोटियां बना रहे थे, कैसे पसीना, रोटियां बना रहे थे, दाल बना रहे थे, इसलिए उसको छोड़ दो। वो 21 में उसका अंकल उठ गया है 21, और उसको भी एक्सरसाइज नहीं। और ये देखो दादी जी अभी चावल खा रहा है। ये देखो ये तो
आप समझ पा रहे हो, ये एक किताब है और बंगाली में लिखा है सत्संग पब्लिशिंग हाउस शब्द रत्नकोश। तो ये एक डिक्शनरी है। मैं तो ठाकुर जी का किताब पढ़ती हूँ, लेकिन ये जो डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी का बहुत ही ज़रूरी थी। ये डिक्शनरी है और जीव का पापा का बहुत दिन से शौक है कि ये डिक्शनरी खरीदूँ। ये देखो, बात ये है कि डिक्शनरी जब तैयार हो रहा था, तब जीव का पापा ये डिक्शनरी तैयार करने का काम में थे। 10 दिन 15 दिन थे ठाकुरबाड़ी में। ये डिक्शनरी काम होने का जो जगह है वहाँ पर थे। तो तब से ही उसका इच्छा है कि डिक्शनरी, जो ये शब्द रत्नकोश डिक्शनरी है, वो पब्लिशिंग होने के बाद एक खरीद के ले आओ। बार बार ठाकुरबाड़ी हम पहुँचते हैं, लेकिन डिक्शनरी नहीं खरीदा होता। तो इसलिए बहुत इच्छा से और शौक से आज डिक्शनरी को खरीद के हम ले आए हैं। तो 12 घंटा का जर्नी हो गया है। देखो, हम वहाँ से निकले, ठाकुरबाड़ी से निकले 3 बजे और घर में पहुँचा 2:30 बजे। रात 3 बजे निकला और 2:30 बजे हम घर पहुँचे। लेकिन अगर मम्मी के घर जाते तो 12:30-1 बजे पहुँच जाते और रेस्ट भी मिल जाता। लेकिन यहाँ पर जीव है, दादी जी अकेला है, बहुत ही मुश्किल होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ठाकुरबाड़ी हम जब जाते हैं, ठाकुरबाड़ी का अंदर हमें रूम मिलते हैं। तो कोरोना की वजह से तब से ही रूम बंद हो गए और रूम नहीं खोले। तो अभी हम जा रहे हैं, लेकिन हमें रहना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है वो ठाकुर जी के मंदिर के बाहर, और पैसा, बहुत पैसा खर्च हो जाते हैं। इसलिए जब तक ठाकुरबाड़ी का अंदर रूम नहीं मिलती, तब तक 2-3 दिन रह नहीं सकते, बहुत खर्च हो जाएगा और प्रॉब्लम भी हो जाएगा, और अच्छा नहीं लगते बाहर में रहने के लिए। तो इसलिए एक नाइट 1000 रुपये लिए, और हम थे कुछ ही घंटे के लिए, बाहर में ही तो थे, आप लोगों ने देखा। ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं कि उसका अंदर का, मंदिर का अंदर का जो रूम है वो जल्दी से खोल दे, रही तो सब लोगों का बहुत कष्ट हो रहा है, रहने की वजह से तो कुछ लोग पहुँच ही नहीं पा रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, बिस्तर तो हो गया और आज बिस्तर जीव ने रेडी किया। ये देखो, बिस्तर रेडी करके वो तो पीछे फिर कर सो गए। आज गुड नाइट नहीं बोलोगे जीव? गुड नाइट। इधर नहीं घूमोगे? तो फ्रेंड्स, आज तो जीव बहुत हैरान हो गया है और नींद में, दोपहर में भी नींद उसका नहीं हुआ, तो इसलिए उसका मूड खराब है। उसके पापा के साथ जब मैथ कर रहे थे तो उसी टाइम उसका आँख में नींद आ गए थे। तो बहुत कष्ट से वो मैथ प्रैक्टिस कर रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं भी यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।